ये जो गिरफ्तार हुआ है इसका नाम है राजेश वर्मा, राजेश कुमार वर्मा। ये प्रकरण बेसिकली 2020 में स्टार्ट हुआ था, दो कंपनीज अवेसम और कसीटा, इसमें जो डायरेक्टर्स थे, ये कंपनी लोगों को ट्रस्ट दिलवाती थी कि छोटे छोटे कलेक्टिव स्कीम्स के थ्रू लोगों से पैसा इन्वेस्ट करवा के दो गुना कार्रवाई करने की बताते थे, ये डबल कर देंगे हम लोग 5 साल में जितना भी पैसा था। लेकिन ये जब पैसा इनकी इन्वेस्ट अपना वापस देने की बारी आई तो ये कंपनी यहाँ से जितने भी डायरेक्टर्स थे सारे भाग गए। इसी क्रम में 12 FIR इस कंपनी पर लिखे गए थे, 18 टोटल अभियुक्त हैं जिसमें से 11 की गिरफ्तारी हो चुकी है। 12वां राजेश कुमार वर्मा, जिस पे 10,000 का इनाम था, कल गुड़गांव से हमारी पुलिस टीम द्वारा इसको गिरफ्तार किया गया है। लगभग 100 करोड़ का इन्होंने लोगों की धांधली करी थी, उसमें से ये 8.5 करोड़ की इन पे गैंगस्टर का जो मुकदमा पंजीकृत था उसकी कुर्की हो चुकी है। बाकी इनके 27 करोड़ जो हैं इनके द्वारा खर्च आगे पीछे करे जा चुके हैं, इनसे अकाउंट डिटेल्स ली गई हैं और बाकी ज़मीन की भी कार्रवाई पता चल, ज़मीन भी इन्होंने आगे पीछे अन्य जनपदों में खरीदी है तो उसकी जानकारी भी अब मिल गई है। आने वाले टाइम में इन पे भी गैंगस्टर की कार्रवाई करी जाएगी और उसकी भी कुर्की की जाएगी। सर, इनका पहले से कोई आपराधिक किया? इन पे 6 मुकदमे हैं ऑलरेडी और ये विवेचना हमारे ACP साहब कर रहे हैं। और सर, कौन कौन है इनके साथ अभी तक? इनके साथ में जो टोटल 18 अभियुक्त हैं, जैसे कि प्रेस नोट में आप देख सकते हैं, तो ये बेसिकली 3 भाई हैं, तीनों भाई गिरफ्तार हो चुके हैं। इनके पिताजी भी नाम जो थे उनकी भी गिरफ्तारी जल्दी करेंगे। गिरफ्तार करने वाले टीम को कुछ पुरस्कार? ये मैं सर से एक बार बात करूंगा, इसमें प्रशस्ति पत्र तो बिल्कुल दिया जाएगा, बाकी मैं एक बार सर से बात करूँगा। टोटल 12 मुकदमे पंजीकृत हैं, ये 2020 से बेसिकली पुलिस की नॉलेज में आए थे कि छोटे ऐसे फ्रॉड हो रहे हैं लोगों से जो पैसे लिए जा रहे थे। लगभग 12 मुकदमे हमारे यहाँ पे लिखे गए हैं, उस 12 मुकदमों में 18 अभियुक्त हैं। 18 अभियुक्तों में से ऑलरेडी जो अरेस्टेड हैं, गिरफ्तार हैं, यहाँ से ये लोग भाग गए थे। इसके बाद में हमारे पास जो पुलिस के पास सूचना आई थी कि 2020 से आना शुरू हुई थी और जो टोटल अभियुक्त मैंने आपको जैसे बताया 18 थे, तो इस पूरे प्रकरण में जो पूरा जो पैसा लोगों से इकट्ठा कर करके इन्होंने लगभग 100 करोड़ जो लोगों से इकट्ठे किए थे उसमें से जो गैंगस्टर की कार्रवाई हो चुकी है वो 8.5 करोड़ की हो चुकी है। लेकिन